पश्चिमी यूपी से एक मंत्री आज दे सकते हैं इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। चुनाव से पहले एक और मंत्री का इस्तीफा संभव बताया जा रहा है। यूपी सरकार से अब तक 3 मंत्रियों का इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि एक के बाद एक लोग पार्टी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। उधर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि संभावना समाजवादी पार्टी में ही देख रहे हैं। शायद मौका ऐसा है चुनाव का और इसी वजह से हर कोई नफा नुकसान देखकर ही पाला बदल रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, कीर्ति निधि पांडे जी। लेकिन अहम चुनौती ये भी हो जाती है कि जो बाहरी लोग आ रहे हैं आपकी पार्टी में दूसरे दलों से, उनको कैसे आप यहाँ पर संभाल कर रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपके कैडर लोग हैं वो भी इसको लेकर विरोध करेंगे और वो पहले से ही टिकट की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। कैसे संभालेंगे अपने घर को? देखिए, निश्चित रूप से ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है और कार्यकर्ताओं से बातचीत लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। जो हमारे उम्मीदवार लड़ने वाले हैं, जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी से जुट गया, दोनों में सामंजस्य बैठाने का प्रयास भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कर रहे हैं। और एक बात अभी जो कह रहे थे आलोक जी की पिछड़ों दलितों की तहसील है, मैं बार बार ये सवाल पूछता हूँ, आज तक उसका जवाब मिल नहीं पाया हमको। 69,000 शिक्षकों की भर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। दलित और पिछड़े दोनों लखनऊ के अंदर लगातार धरना करते रहे पिछले एक साल से कि पिछड़ों का दलितों का पूरा आरक्षण नहीं मिला। पिछड़ा आयोग भारत में भी लिखा उत्तर प्रदेश से सरकार के मुख्यमंत्री को कि इन पिछड़ों का आरक्षण दे दिया जाए, लेकिन उन पिछड़ों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण पूरा नहीं मिल पाया दृष्टि में। तो जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़ों और दलितों का आरक्षण छीना है, अब वो दलित पिछड़े मिलके इनसे सरकार छीनने का काम करें। ठीक है आलोक जी, जवाब दीजिए कीर्ति निधि पांडे जी के सवाल का। और दूसरा ये भी सर, एक और मंत्री भी आज इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसी संभावना बताई जा रही है। आपको नहीं लगता कि चुनाव से पहले ऐसे साथ छोड़कर जाना इन नेताओं का बीजेपी के लिए नुकसान हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अनुशासन प्रिय संगठन है और पिछले चुनावों में कई लोग हमारी पार्टी में हमारे नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में ज्वाइन किए थे और पार्टी लगातार उनके कामों की समीक्षा करती रही है। उनके क्षेत्र में जनता से क्या जुड़ाव रहा है उसकी समीक्षा करती रही है, उसके हिसाब से टिकटों के बारे में निर्णय आपको पता ही है। लगातार 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी की बैठकें दिल्ली में चल रही है। कीर्तिवर्धन जी जो बात कर रहे हैं, कीर्तिवर्धन जी को ये बताना चाहिए कि जब 2012 में सत्ता में वे आए थे तो उन्होंने सबको, सबसे उनको वोट मिला था, लेकिन उसके बाद जब देने की बारी आई तो खाली एक जाति के और एक वर्ग के लोगों को ही इन्होंने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी भी आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं, लेकिन एक झटके के तौर पर बीजेपी के लिए इसे जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे नेता हाल फिलहाल में बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं।